तो चलिए आज हम लोग एक चर्चा करते हैं उसी को लेकर, विवाह के संबंधित, शादी से संबंधित हम लोग चर्चा करेंगे। और हम लोग आज दो कुंडली लगाएंगे। एक कुंडली में हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार हम लोग देखते हैं कि विवाह का योग कब बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है। यदि नहीं बन रहा है तो क्या कुछ ऐसे उपाय हैं कि जिसको करने से हम लोग को वो विवाह का योग बन जाए। और दूसरा जो कुंडली हम लोग देखेंगे कि इनकी वैवाहिक जीवन, क्या इनकी वैवाहिक जीवन अच्छी चलेगी कि नहीं चलेगी, क्या अलगाव के चांस बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, क्या मन मुटाव, क्या तलाक, डाइवोर्स। तो ये चीज देखने के लिए हम लोग को दोनों की कुंडली देखना पड़ता है, मतलब जातक की और जातिक अर्थात पति और पत्नी दोनों की कुंडली हम लोग देखते हैं। उसके बाद ही हम लोग सटीक विश्लेषण कर सकते हैं कि हाँ इनकी अलगाव होंगे कि नहीं होंगे, तलाक होंगे कि नहीं होंगे, या फिर कुछ पीरियड में इनके मन मुटाव होते हैं फिर जाके मिलके साथ रहेंगे, ऐसे योगी बनते ही नहीं बनते हैं। तो चलिए हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं, हम लोग देखते हैं कि शादी का योग बन रहा है कि नहीं बन रहा है। यहां आपको देखिएगा आ रहा होगा आपको डिस्प्ले में एक चार्ट आ रहा होगा। इस व्यक्ति का जो जन्म है 13 फरवरी 1982 को रात के 10 बजे और जगह का स्थान है प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। ये कुंडली हमारे पास 2020 के जनवरी महीने में आई थी दोस्तों। तो 2020 के जनवरी महीने में आप देख सकते हैं कि कितनी साल हुए होंगे, आप जोड़ लीजिए 18 साल इधर 20 साल उधर, मतलब 38 साल शादी नहीं हो रही थी। बहुत सारे पंडितों को, ज्योतिषों को दिखाने के बाद, बहुत सारे उपाय करने के बाद भी इनके शादी नहीं हो रही, तो अंतम मेरे पास आए। तो हम लोग पहले इसकी कुंडली में देखते हैं तो हम लोग देख सकते हैं कि दोस्तों की कन्या लग्न की कुंडली है आपको, ठीक है। और राशि कौन सी होगी आप यहां देखिए दोस्तों, राशि कौन सी, तुला राशि होगी। सातवें घर में देखिए चंद्रमा बैठे हुए, सातवें भाव चंद्रमा बैठे हुए, सॉरी सातवीं राशि में चंद्रमा बैठे हुए तुला राशि होगी। तो एक बार हम लोग ओवरऑल एक बार नजर मार लेते हैं, हमें अच्छी तरह से मालूम है कि जो शादी कॉम्बिनेशन होते हैं 2, 7, 11 दिया है जो शादी बताती है, 1, 6, 10 आती है शादी नहीं बताती है, 5 घर और 9 घर आए तो ये हमारे फैसिलिटेटर है मैरिज के, और 8, 12, 2, 7, 11 का साथ आए तो पॉजिटिव हो जाते हैं, 1, 6, 10 के साथ आते हैं तो नेगेटिव हो जाते हैं, और बीच में बच गया दोस्तों 3रा 4था घर, ये न्यूट्रल कहलाता है हमको। तो हम लोग देखते हैं केतु से, केतु क्या बता रहा है, देखिए केतु 1, 1, 3, 4, 7, 8, 12 पॉजिटिव है, क्या कि सातवां घर है, साथ नेगेटिव भी है, पहला घर भी आपको दिख रहा होगा, मतलब 50-50। उसका नक्षत्र 5, 12 न्यूट्रल है, थोड़ा सा स्लाइट पॉजिटिव कहते हैं, पांचवा घर हमारा मैरिज का फैसिलिटेटर होता है। और नीचे देखिएगा सब लॉर्ड जो पहला घर और 11वां घर, मतलब एक पॉजिटिव घर एक नेगेटिव घर। यदि आप ओवरऑल चेक करें तो हम यहां दिखाता है केतु हमारा 50-50 चांस है, मतलब उतना अच्छा नहीं, ठीक ठाक हम कह सकते हैं उसको। उसके बाद देखिए हम शुक्र को देखते हैं, शुक्र को हम लोग नेचुरल सिग्निफिकेटर बोलते हैं मैरिज का, तो ऐसे ही पॉजिटिव होता ही होता है। साथ में देखिएगा इसका क्या, खुद 2, 4, 9 पॉजिटिव बता रहा है ग्रह, उसका नक्षत्र देखिए 5, 12 ये भी पॉजिटिव बता रहा है, लेकिन इसका सब लॉट को आप देखिएगा पूरे पूरे कॉम्बिनेशन 1, 6, 10 के आ रहे, साथ में 5 और 7 भी आ रहा है दोस्तों। तो एक्चुअली चूंकि शुक्र जो होते हैं हमारे नेचुरल सिग्निफिकेटर होते हैं मैरिज के, तो ये हमारे यहाँ पॉजिटिव कहलाएंगे दोस्तों। अब हम लोग सूर्य को देखते हैं, सूर्य क्या बता रहे हैं, ग्रह कुछ नहीं बता रहे हैं, नक्षत्र भी कुछ नहीं बता रहे हैं, और लेकिन सब लॉट देखिए 1 और 10, मतलब यदि ओवरऑल सूर्य को देखिए तो ये डिनाइल है मैरिज के लिए। फिर चंद्रमा को देखिए क्या है, देखिए चंद्रमा ऊपर से लेकर नीचे तक अर्थात ग्रह से लेकर सब लॉट तक 1, 1, 6, 10, 1, 6, 10 ये टोटली डिनाइल है दोस्तों चंद्रमा में। अब फिर मंगल को देखते हैं हम लोग, मंगल क्या बता रहा, 3, 8, 12 न्यूट्रल,
नक्षत्र भी 3, 8, 12 बता रहा न्यूट्रल, लेकिन यदि इसका सबलॉट देखते हैं जो 1, 6, 10 पूरे पूरे कॉम्बिनेशन आ रहे हैं पॉजिटिव, अगर खाली एक ही है सातवां घर, तो मंगल भी हमारा डिनाइल है मैरिज के लिए। राहु को देखते हैं दोस्तों, राहु क्या बताता है, राहु ग्रह खुद डिनाइल बता रहा है, 1, 6, 10 पूरे पूरे कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, लेकिन उनका नक्षत्र क्या है 1, 4, 7, एक पॉजिटिव घर एक नेगेटिव है, पहला घर नेगेटिव सातवां घर पॉजिटिव होता है, मतलब 50-50। और उसका सबलॉट जो है वीनस 2, 4, 9 एक पॉजिटिव, यदि इसको हम अच्छी तरह से यदि देखें हम लोग तो ये ठीक है डिनाइल की तरफ जा रहा है, लेकिन फिर भी अभी इसमें ताकत है, इसमें स्ट्रेंथ है, क्या कि नक्षत्र और सबलॉट देखिए 2, 7 आपको मिल जा रहे हैं, और नक्षत्र से लेकर सबलॉट से लेकर नक्षत्र तक देखिएगा 2, 7, 7 पूरे पूरे कॉम्बिनेशन मिलते हैं दोस्तों, वही आपको डिनाइल का जो कॉम्बिनेशन 1, 6, 10 ग्रह बहुत खराब मान रहे, लेकिन नक्षत्र में देखे खाली पहला घर है और सबलॉट में कोई घर नहीं, तो थोड़ा सा मजबूत हम कर सकते हैं कि राहु यहाँ पर शादी के लिए पॉजिटिव है। अब गुरु को देखते हैं दोस्तों, गुरु क्या बता रहा खुद 1, 4, 7, 50-50, उसका जो नक्षत्र डिनाइल कर रहा है 1, 6, 10 पूरे पूरे कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, और उसका जो सबलॉट है 2, 4, 9 पॉजिटिव। अब देखिए अब राहु और गुरु को आप कंपेयर कीजिएगा दोस्तों, तो राहु में देखिए क्या बता रहा है, ग्रह पूरा डिनाइल, ग्रह में 1, 6, 10 पूरे कॉम्बिनेशन आ रहे हैं डिनाइल है, लेकिन नक्षत्र और सबलॉट में डिनाइल कॉम्बिनेशन उतनी स्ट्रांगली नहीं है, लेकिन वही गुरु में देखिए जस्ट इसका उल्टा है, इसके जो ग्रह है 1 और 7 बता रहे, 1 अच्छा 1 बुरा, लेकिन इसका नक्षत्र है 1, 6, 10 पूरे कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, और नीचे सब लॉर्ड है 2, 4, 9 कोई कॉम्बिनेशन नहीं आ रहे। हम यहां देख सकते हैं कि पॉजिटिव कॉम्बिनेशन ठीक है, सब लॉर्ड से लेकर ग्रह तक आ रहे हैं 2, 7 और 7 मिल रहे हैं, और नेगेटिव कॉम्बिनेशन जो है खाली ग्रह और नक्षत्र है, लेकिन पूरे कॉम्बिनेशन तो राहु की अपेक्षा गुरु पूरा डिनाइल बताता है मैरिज को। अब हम लोग यहां देखते हैं शनि, शनि टोटली डिनाइल है दोस्तों, 1, 5, 6 खराब है, 3, 8, 12 न्यूट्रल नक्षत्र हो गया, और सब लॉर्ड 1, 5, 6 खराब है, बहुत खराब शनि है। मरकरी, मरकरी देखिएगा ग्रह खराब है, 1 और 10 दो खराब ग्रह बता रहे, पॉजिटिव एक भी नहीं है उसका, यदि आप नक्षत्र देखिएगा कोई नहीं बता रहा 5, 12 ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, और उसका जो सबलॉट है 2, 4, 9, 1 पॉजिटिव, तो यहां हम कह सकते हैं कि मरकरी थोड़ा सा पॉजिटिव की तरफ आ रहा है, क्या कि सबलॉट में 2 आ जा रहा है, नक्षत्र में 5 फैसिलिटर है हमारे, ठीक मिल जा रहे, जबकि खराब घर जो है खाली ग्रह में, ना तो नक्षत्र में ना आपको सबलॉट में। तो हम लोग यहां देखते हैं कौन कौन से ग्रह देखिए अच्छे हुए, एक हम देखते हैं केतु 50-50 है, अच्छी है जिसको दशा मिलती है, जो पॉजिटिव दशा मिलती है शादी करवाने में सक्षम है। फिर दूसरा देखिएगा आपको शुक्र बढ़िया है, तीसरा देखिएगा मरकरी, चौथा देखिएगा राहु। जिस समय ये बंदा आया था उस समय शनि की दशा चल रही थी और मरकरी अर्थात बुध की अंतर दशा चल रही थी, और शनि इस कुंडली में पूरा पूरा डिनाइल बता रहा है, तो अर्थात शनि की दशा में इसकी शादी नहीं होगी। शनि के बाद किसकी दशा आती है, शनि के बाद आती है मरकरी की दशा, मरकरी में चांस है होने की, मरकरी मरकरी में नहीं, मरकरी मरकरी केतु और मरकरी मरकरी शुक्र या मरकरी केतु शुक्र में शादी इसकी हो जाएगी, इसे और अभी टाइम लगेगा। ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि हमने आपको एक रूल बताया था कि दशा इज स्ट्रॉन्गर देन भुक्ति, भुक्ति स्ट्रॉन्गर देन अंधारी, दशा यदि कोई इवेंट को मना कर दे तो हम सीधे अगली दशा देखते हैं, क्या कि शादी जैसा इवेंट पूरा का पूरा होता है, आधा अधूरा नहीं होता, हेल्थ आपके आधे अधूरे हो सकते हैं, मतलब छोटी बीमारी बड़ी बीमारी हो सकती है, आपके लिटिगेशन या परेशानियां छोटी बड़ी हो सकती है, लेकिन शादी बच्चे ये पूरे होते हैं। तो इसी प्रकार यदि हमें दशा यदि कोई इवेंट को मना करती तो हम लोग अगली दशा को देखते हैं, तो इसी प्रकार आपको भी अपनी कुंडली देखनी चाहिए। अब दूसरा हम लोग कुंडली देखते हैं, जो मैंने बताया था कि इनकी शादी हो चुकी थी,
लेकिन ये जनवरी दिसंबर जनवरी के समय मेरे पास आए, बोले कि सर बहुत परेशानियां चल रही है हमारे वैवाहिक जीवन में, यहाँ तक कि नौबत आ गई है कि हो सकता है अलगाव होने के, तलाक होने की संभावना हो सकती है। तो हम लोग एक बार इसका नजर मार लेते हैं। पहले हम बता देते हैं इसका डेट ऑफ बर्थ आपको है 11 अगस्त 1989, जन्म है 10:14 और रहने वाली है पटने के, वहां पर जन्म का स्थान हुआ था। तो केतु क्या बता रहा आप देख सकते हैं दोस्तों, केतु क्या बता रहा, केतु पॉजिटिव है, 11 11 11 देखिए ऊपर से लेकर नीचे तक आ रहा, एक ही घर नेगेटिव है। शुक्र क्या, शुक्र है तो सिग्निफिकेटर है आपको मैरिज का, तो 2 10 50 50, 1 10 खराब हो गया, 2 10 मतलब ओवरऑल शुक्र भी मेरा ठीक ठाक है। सूर्य क्या बता रहा, सूर्य देखिएगा टोटली नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि 11वां घर आपको ग्रह में आ रहा है और सब लॉर्ड में आ रहा है, ये मिल नहीं पा रहे, एक चैन नहीं बना पा रहे। देखो नेगेटिव घर जो है 1 6 10 में से पूरे ऊपर से लेकर नीचे तक आ रहे हैं, तो मतलब सूर्य यहां पर खराब हो गया। उसी प्रकार यदि आप चंद्रमा को देखिए, चंद्रमा बहुत अच्छा है, मंगल को देखिएगा तो मंगल आपको 50-50 है, मतलब 10वां घर भी है 11वां घर भी, 10वां घर भी 11वां घर भी। अब राहु को देखिएगा, राहु भी देखिए 50-50 है आपको चांसेस। उसके गुरु को देखिए, गुरु यहां पे देखिएगा दोस्तों नेगेटिव हो गया, मैरिज लाइफ को, मैरिज को लेकर नेगेटिव। गुरु का जो देखिए ग्रह बता रहा है 4 6 7 10, एक घर अच्छा बता रहा, 2 घर खराब बता रहा, 7वां घर अच्छा है, 6ठा 10वां घर खराब है। नक्षत्र 1 10 12 पूरे पूरी डिनाई कर रहे नक्षत्र मैरिज लाइफ को, कोई भी पॉजिटिव घर उसमें नहीं है, सारे घर नेगेटिव घर, 1वां 10वां साथ में ऊपर के साथ मिल भी जा रहा है। और उसका जो सब लॉर्ड है देखिए 5 10 11, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव बता रहे हैं, लेकिन जो पॉजिटिव 11 घर है ये 7वें घर से नहीं मिल पा रहा है, नक्षत्र इसको रोक दे रहा है। इसी प्रकार जुपिटर बहुत खराब हो गया। अब शनि को देखिए, शनि भी यहां दिख रहा है दोस्तों 50-50 का चांस है, ठीक है कोई बात नहीं। 2 पहला 11वां घर देखिए ग्रह में है अच्छा है, दूसरा घर आपको नक्षत्र में अच्छा है, और सब लॉर्ड में 11 टोटल मिल जा रहे ठीक ठाक है चलिए, लेकिन थोड़ी से खटपट है। 10वां घर आपको दिखा रहा है नक्षत्र में भी और सब लॉर्ड में भी। अब मरकरी देखिए दोस्तों, मरकरी भी यहां पर देखिए आपको ठीक ठाक सा है। तब हम इनकी कुंडली देख नहीं बता सकते हैं कि जो मन मुटाव हो रहा है, जो तालमेल नहीं बैठ रहा पार्टनर के साथ, तो क्या आगे चल के ये और भी समस्याएं बढ़ेगी या घटेगी, जब तक इनके पार्टनर की कुंडली ना देखा जाए। क्योंकि इनकी कुंडली देखने से हमें लग रहा ठीक ठाक, देखिए 5वां घर का इन्वॉल्वमेंट, 9वां घर का इन्वॉल्वमेंट बहुत जगह है, ये कोशिश करते हैं कि हम किसी प्रकार से उसको निभाया जाए, लेकिन अब पार्टनर कुंडली देखा जाए हो सकता है उसमें एग्रेशन और डिप्रेशन के कारण से परेशानियां आ रही हो, तो इस प्रकार हम लोग कुंडली की जांच करना चाहिए। फिर मैं कुछ और वीडियो लेके आऊंगा इसी प्रकार, शादी से लेकर किस प्रकार कुंडली देखा जाता है, आप इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें, और आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी दोस्तों। जय माता दी, धन्यवाद दोस्तों।